अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ वाले चावल, बहुत ही मज़े के, बहुत ही ज़्यादा मज़े के, क्योंकि सर्दियां चल रही हैं तो सर्दियों में कुछ अच्छा खाने का दिल करता है, यानी कि जो आप जैसे वार्म रहे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले पैन लिया, इसमें पानी ऐड कर दिया थोड़ा सा, और 1 कप के करीब मैंने गुड़ लिया है, ठीक है। तो हम लोग जो है ना घर में ज़रा मीठा कम इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने जो 1 कप ही लिया, ठीक है। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं खुश्क दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं वो भी 1 कप है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को मैं मिक्स कर दूँगी। जैसे गुड़ मेल्ट हो जाए, ठीक है, तो इसको हम साइड पे करके रख देंगे। इसके बाद मैंने एक दूसरे पैन पे ऑयल ऐड कर दिया। ज़्यादा ऑयल मैंने इस्तेमाल नहीं करना उसमें। मैंने 1 टेबल स्पून और 2 इलायची मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको अच्छे से सौते करेंगे। उसके बाद इसमें मैं बादाम ऐड कर रही हूँ, नारियल ऐड कर रही हूँ, ठीक है, और पिस्ता ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं, और अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स आप स्किप भी कर सकते हैं, हैज़ यू विश। अगर आप चाहें तो ऐड कर दें, वरना आप स्किप कर दें। उसके बाद मैंने गुड़ और खुश्क दूध का जो मिक्सचर बनाया था, ठीक है, वो उसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग। ओके, इसके बाद मैंने चावल बॉयल कर लिए थे, 2 कप मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब लास्ट में मैं इसमें घी ऐड करूँगी, देसी घी, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप के हम लोग रख देंगे। तो यहाँ पे जी गुड़ वाले चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैंने इसको गार्निश कर दिया ड्राई फ्रूट से, नारियल से। बहुत मज़े के बने थे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।